नदी में डूबे सेवक की मौत, बेसुद हुए परिजन, आक्रोशित ग्रामीणों ने जाम लगाने का किया प्रयास। बबुन क्षेत्र के जुआ पुल पर सेंगर नदी पर ज्वारे सिराने आए एक युवक पैर फिसलने से पानी में जा गिरा। साथ ही आए अन्य ग्रामीण जब तक उसे निकालने की कोशिश करते वह गहरे पानी में जा पहुंचा और डूब गया, जिससे उसकी मौत हो गई। 3 घंटे बाद बड़ी मुश्किल से गोताखोर युवक के शव नीचे ढूंढ पाए, जिसे देरी होने से ग्रामीण आक्रोशित हो उठे। युवक की मौत से परिजनों में कोहराम मच गया। लोगों ने मृतक की रोती बिलखती पिता और माँ और बहनों को तसल्ली देकर शांत किया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। अजीतमल कोतवाली के गांव मोहुद्दीनपुर निवासी प्रताप सिंह राजपूत बेहद गरीब है और मजदूरी करते हैं। शुक्रवार को उनके परिवार के नरेश के द्वारा बोए गए ज्वारे सिराने का कार्यक्रम था, जिसमें उनका 20 वर्षीय पुत्र विकास भी गांव से जुआ पुल पर सेंगर नदी में ज्वारे सिराने गया। ज्वारे सिराने के बाद सभी लोग नहाने लगे, इसी बीच विकास का पैर फिसल गया और नदी में गिर पड़ा। अन्य ग्रामीणों ने उसे पानी में जाते देखा तो बचाने का प्रयास किया, लेकिन तब तक वह पुल के नीचे गहरे पानी में जाकर डूब चुका हुआ था, जहां ग्रामीणों ने पुलिस और गांव में सूचना दी। मौके पर पास के गांव मल्लाहन के मड़ैया और बल्लापुर के तैराक लड़के पहुंचे। वहीं सी और जीतमल राहुल शर्मा और फफुन थाना अध्यक्ष गंगादास गौतम भी फोर्स के साथ जा पहुंचे। नदी में जाल व कांटे पड़वा कर युवक की शव की तलाश की, लेकिन सफलता नहीं मिल सकी। ढूंढने में देरी होने से ग्रामीणों में आक्रोश हो गया और उन्होंने पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए सड़क जाम करने का प्रयास किया। माहौल बिगड़ने की आशंका से पुलिस ने लाठी पटक कर भीड़ को तितर बितर किया और ग्रामीणों को समझाया, जिसके बाद ग्रामीण शांत हुए। लगभग 1 घंटे बाद औरैया से आए गोताखोरों ने कड़ी मेहनत करके शव को पानी से बाहर निकाला। युवक की मौत से परिजनों में कोहराम मच गया। पिता और माँ बदहवास हो उठे, जिन्हें ग्रामीणों ने संभाला। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। संपादक विमल पांडे के साथ कैमरामैन मोहम्मद साहिब।